उधर राजस्थान के अजमेर में 17 जून 2022 को सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए, वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ। ये नारे लगाने वाले आरोपी गौहर चिश्ती छूट गए हैं। पुलिस ये साबित नहीं कर सकी कि दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने ही ये नारा लगाया था। वीडियो क्लिप, सारे दूसरे सबूत अदालत में फेल हो गए। कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट में ये साबित ही नहीं कर पाई पुलिस के भड़काऊ नारे लगे तो किसने लगाए। आखिर कोर्ट सभी आरोपियों को क्यों बरी कर दिया गया। गौहर चिश्ती जैसे ही बरी हुआ राजस्थान में एक बार फिर से हंगामा मचा। बीजेपी के जो लोग हैं वो पूर्व की गहलोत सरकार पर आरोपी को बचाने और पुलिस पर केस कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस रिपोर्ट के अंदर किन वजहों को बताया गया है आधार चिश्ती को छोड़ने का, आइए आपको दिखाते हैं। गौहर चिश्ती रिहा, फिर सिर तन से जुदा के नारे किसने लगाए। सबूतों का अभाव, पुलिस की जांच पर सबसे बड़ा सवाल। इस पे भी सवाल खड़े हो गए क्या कि गौहर चिश्ती ने नारे ही नहीं लगाए वहाँ पे? सर ये कहना एक अलग बात है, वीजो वीडियो अलग बात है, वीडियो जो विजुअल आए हैं उनमें अलग बात है, स्क्रीनशॉट है उनमें अलग बात है। नारे लगाना साबित नहीं हुआ, नारे लगाए गए लेकिन साबित नहीं हुए। प्रकरण में जब साबित होएगा तभी आदमी न्यायालय में दोषी पाया जाएगा। सर तन से जुदा की जांच, सियासी गलियारे में घमासान। अब इस फैसले को क्या चैलेंज करेंगे आप ऊपरी अदालत में? हाँ, ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जाएगी, ये प्रक्रिया चल रही है। हजारों की भीड़, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, लाउड स्पीकर पर अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर भड़काऊ नारे लगाए गए। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुड़ा। लेकिन सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए ये पुलिस ढूंढ नहीं पाई, या ये कहें कि अदालत में पुलिस ये साबित नहीं कर पाई। सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले आरोपी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती समेत सभी 6 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। करीब 2 साल तक ट्रायल चला लेकिन अदालत में पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि सर तन से जुदा के नारे इन्हीं लोगों ने लगाए थे। भाई उस दिन की कहानी दरअसल ये थी, यहाँ एक लोकल थानेदार थे दलवीर सिंह फौजदार। अब उन्होंने के दिल में क्या थी मुझे नहीं पता, हालांकि हमसे बहुत अच्छे से पेश आते थे वो, लेकिन 17 जून को बाकायदा मेरी उनसे और कई अधिकारियों से बात हुई कि भाई ठीक है यहाँ पर जो आपने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हिंदुस्तानी हर शख्स का अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कानून के दायरे में रहकर, लेकिन मेरे उस प्रोटेस्ट को इन लोगों ने गलत तरीके से दिखाया। मैं ज़्यादा क्या कुछ कहूँ, पूरे हिंदुस्तान को ये बात पता है, सभी लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि मेरे खिलाफ एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था। अब उसमें शासन प्रशासन अपने बेगाने जो भी लोग शामिल थे, मैं नहीं कह सकता हूँ कन्फर्म कि कौन लोगों की साजिश थी जिन्होंने मुझे फंसाना चाहा। सोशल मीडिया पर 17 जून 2022 का वो भड़काऊ वीडियो अभी भी मौजूद है। मंच पर गौहर चिश्ती भी दिखाई दे रहा है, हाथ में माइक भी है, मंच से भड़काऊ नारे का कुछ हिस्सा बोला जा रहा है और भीड़ सर तन से जुदा बोलकर उसे पूरा कर रही है। 17 जून 2022 को पुलिस वाले भी मौजूद थे, डीएसपी से लेकर एसएचओ रैंक तक के अधिकारी मौजूद थे, गौहर चिश्ती भी था। दरगाह के निजाम गेट के सीढ़ियों पर भड़काऊ नारे लगाए गए, भड़काऊ नारेबाजी की वीडियो क्लिप भी मौजूद है।
लेकिन इसके बाद ये पुलिस कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाई। 17 जून 2022 को नुपुर शर्मा के खिलाफ अजमेर दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए गए। 11 दिन बाद 28 जून 2022 को उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर टेलर कन्हैया लाल की दो लोगों ने दुकान में ही हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस नींद से जागी, लेकिन कोर्ट में पुलिस की यही देरी गौहर चिश्ती के रिहा होने का ग्राउंड बना, लेकिन अदालत में पुलिस की न तो गवाही मानी गई न ही उनके सबूत। पुलिस की जांच में कई खामियां मिली जिसके कारण आरोपी बरी हो गए। 17 जून 2022 को भड़काऊ नारे लगे, लेकिन पुलिस केस दर्ज की 25 जून 2022 जिस फोन में भड़काऊ नारेबाजी को रिकॉर्ड किया गया, पुलिस उस फोन को जब्त नहीं कर पाई। वीडियो की सीडी बनाकर पुलिस कोर्ट में पेश, वीडियो की एफएसएल जांच नहीं की गई। 17 जून 2022 को हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन गवाह सिर्फ पुलिस वाले बने। जिस सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस कोर्ट में पेश की थी, उसमें आवाज ही नहीं था। मौन प्रदर्शन के लिए जिन्होंने इजाजत मांगी थी, उनसे पुलिस पूछताछ तक नहीं की, न ही उन्हें गवाह बनाया गया। यहां तक कि पुलिस ये भी साबित नहीं कर पाई कि हैदराबाद में गौहर चिश्ती को नासिर खान ने ही शरण दे रखी थी। नासिर खान के ऊपर ये चार्ज लगाया गया था कि अजमेर से छुपा कर गौहर चिश्ती को वो हैदराबाद लेकर गया, पर पूरे प्रोसिक्यूशन की एविडेंस से कहीं से ये साबित नहीं हो सका कि नासिर खान अजमेर से हैदराबाद उसको गौहर चिश्ती को लेकर गया, और जो वहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो इन्होंने वीडियोस वगैरह लिए थे उनको भी कहीं से भी सत्यापित नहीं करवा पाए कि नासिर खान हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा था। इसमें पुलिस ने एसएम अकबर जिसने अनुमति मांगी थी उसको गवाह नहीं बनाया, जिला कलेक्टर ने जिन्होंने अनुमति दी थी क्या अनुमति दी वो गवाह नहीं थे, उनके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वो गवाह नहीं थे। मोबाइल जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया वो मोबाइल नष्ट होना बताया गया, जो पेन ड्राइव या सीडी ली गई वो सीडी डुप्लीकेट थी, खुली हुई अवस्था में रही, उसको सील मोड़ नहीं किया गया, बार बार उसकी कॉपी से कॉपी होती रही, तो जो टेम्परिंग थी सीडी के साथ में वो टेम्परिंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर्याप्त नहीं मानी गई। जांच में लापरवाही बरती गई, ये इन्वेस्टिगेशन में खामी तो रही है। और फिर जो इसमें गवाह थे वो गवाह प्रॉपर इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं रहे, भरा पूरा इलाका था, 3,500-4,000 लोगों की भीड़ बताई गई, उसमें से चेहरे पर्टिकुलर वीडियो दिखा के छाटे गए, भाई इनको मुलजिम बनाना है, कुछ लोगों को मुलजिम नहीं बनाया गया, और पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई। दूसरा, वहाँ जो लोग इंडिपेंडेंट दुकान वगैरह कर रहे थे उनको नहीं रखा, डिप्टी जो मौजूद थे उनको गवाह नहीं बनाया, जब बड़े अधिकारी मौजूद थे तो बेचारे कांस्टेबल के सिर पे मांड के और उस कांस्टेबल से एफआईआर लिखवा दी गई। कोर्ट ने जब भड़काऊ भाषण को रिकॉर्ड करने वाले मोबाइल के बारे में पूछा तो पुलिस जवाब दी कि 2023 में मोबाइल खराब हो गया है और वीडियो डिलीट हो गया है, डीवीआर दरगाह से ही मिला है, इसका प्रमाण भी पुलिस कोर्ट में नहीं दे पाई। वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी ओरिजिनल है या नहीं इसे भी पुलिस साबित नहीं कर पाई। जब क्राइम हुआ तब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, भजन लाल सीएम है, और जैसे ही फैसला आया पुलिस लाइन से लेकर सियासी गलियारे तक हंगामा मच गया। पुलिस वालों पर लीपापोती का आरोप लगने लगा। बीजेपी गहलोत सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, क्योंकि आरोपी जब पकड़े गए, चार्जशीट जब दाखिल हुआ, तब गहलोत की ही सरकार थी। देखिए, जो फैसला कोर्ट का आया है सरकार उसका अध्ययन करवा रही है, और निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी उस फैसले में जो उसके ऑर्डर में लिखा हुआ है कोर्ट के द्वारा, उसमें कई सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अभियुक्तों को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान खामियां छोड़ी, और इसका फायदा कोर्ट में अभियुक्तों को मिला। तन से जुदा नारे लगाने वाले आज कमजोर अभियोजन पक्ष और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण से संदेह का लाभ पा करके न्यायालय ने भरी कर दिया। तत्कालीन गहलोत सरकार के समय जानबूझ करके पुलिस प्रशासन ने चालान पेश करते हुए उसमें खामियां छोड़ी, उसमें इस प्रकार के लकुना छोड़ा जिसका फायदा उन्हें मिला। गौहर चिश्ती के रिहा होते ही जयपुर से लेकर अजमेर तक सियासी गलियारे में सरतन से जुदा की शोर सुनाई देने लगी है। जयपुर से अजमेर तक फोन की घंटी बजने लगी है। गौहर चिश्ती पर फैसला आने के बाद से ही सीएम भजनलाल एक्शन में है। जांच में लापरवाही बरतने पर अजमेर पुलिस की रोजाना क्लास लग रही है।
जांच से जुड़े छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सीएमओ की रडार पर आ गए। भजनलाल का गुस्सा अजमेर पुलिस और प्रशासन पर जैसे ही फूटा, एडिशनल डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने निचली अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। सर, मेरा ये मानना है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जितने साक्ष्य उस समय उनको उपलब्ध थे, उस सारे उपलब्ध साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायालय ने उन साक्ष्यों की सही तरीके से विवेचना नहीं की और न्यायालय द्वारा सही विवेचना नहीं करने की वजह से उसको संदेह का लाभ है वो दिया गया है। तो न्यायालय ने माना नहीं, वो वीडियोग्राफी हो रखी थी, मोबाइल से वीडियो बनाया हुआ था, उसमें एक एक अभियुक्त है वो अच्छी तरह से नजर आ रहा था और उनके द्वारा ये जो नारा लगाया गया था वो साफ रूप से दिख रहा था और सुनाई दे रहा था। उसके बाद में तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है उनको अभियुक्त के तौर पर दोषी नहीं करने का। जब सबूत पर्याप्त थे तो फिर सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले आरोपी छूटे कैसे? अब राजस्थान सरकार एडीजे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। लोअर कोर्ट के फैसले को पढ़ा जा रहा है, साक्ष्य फिर से जुटाए जा रहे हैं ताकि हाईकोर्ट में सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों के खिलाफ जोरदार पैरवी हो सके।